प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। गाने जो दिल से दिलबर की याद दिला दे, वो जिसकी धुन दिल की धड़कन को धड़का दे, वही तो होते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज फिर एक बार एक नया प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है हेमा मालिनी जी, राजेश खन्ना जी और पूनम ढिल्लन जी की फिल्म दर्द से खयाम साहब की कॉम्पोजिशन न जाने क्या हुआ, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और लिरिक्स हैं नक्श लियालपुरी जी के। हेमा जी और राजेश जी ने कुछ 13 फिल्मों में साथ में काम किया था, लेकिन दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रेंज रिलेशनशिप थी। दोनों ही एक दूसरे को वैसे अटेंशन नहीं देते थे जो जनरली को स्टार्स एक दूसरे को देते हैं, बस काम की बातें होती थी दोनों के बीच। वैसे जानते हैं, दर्द फिल्म उन रेयर फिल्मों में से है जिसमें राजेश जी ने डबल रोल किया था और हेमा जी ने उनके लवर के साथ साथ सेकेंड हाफ में राजेश जी की माँ का रोल भी निभाया था। राजेश जी को अपने रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। खैर चलिए, और भी बातें बताएंगे, फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। जो तूने छू लिया न जाने क्या हुआ, जो तूने छू लिया खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई संवर संवर गई, निखर निखर गई संवर संवर गई, बना के आईना तुझे जान मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। दर्द फिल्म के सेकेंड हाफ में राजेश खन्ना जी की प्रेमिका का किरदार पूनम ढिल्लन जी ने प्ले किया था। और क्या आप जानते हैं, पूनम जी राजेश जी की सबसे बड़ी फैन है। इनफैक्ट बचपन से उन्हें राजेश जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जब वो 13 साल की थी तब वो राजेश जी की फिल्म कर्म की शूटिंग देखने गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर सारे बच्चों में से राजेश जी ने उन्हें ही बुलाया, कहा कि तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर पूनम ढिल्लन जी ब्लश करने लगी और वहाँ से भाग गई। वो थैंक यू बोलने के लिए भी काफ़ी नर्वस थी। बिखरा है काजल फिजा में, भीगी भीगी है शामें, बूंदों की रिमझिम से जागी आग ठंडी हवा में, आ जा सनम ये हंसी आग हम ले दिल में बसा, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। पूनम ढिल्लन जी की स्कूल में एक फ्रेंड थी जिसका नाम था अंजलि खन्ना, जो इस बात का दावा करती थी कि वो राजेश खन्ना जी की रिलेटिव है। इनफैक्ट उसने पूनम ढिल्लन जी को एक नंबर भी दिया था ये कहकर कि वो राजेश जी का है, लेकिन पूनम जी में इतनी हिम्मत कभी आई ही नहीं कि वो उस नंबर पर कॉल कर दे। वो इतनी नर्वस हो जाती थी सिर्फ उनका नाम सुनकर। वैसे उनकी हर फिल्म पूनम जी ने देखी थी, आराधना, कटी पतंग, आन मिलो सजना, सफर, दाग, पावर्ची, अमर प्रेम, दो रास्ते, सच्चा झूठा, सारी। रियल लाइफ में भी वो उन्हें अपना हीरो मानती थी, लेकिन जब राजेश जी के साथ डिम्पल जी की शादी हो गई तब उनका दिल टूट गया था। वो बहुत उदास हो गई थी, लेकिन जब फिल्मों में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उनकी खुशी का अंदाजा ही नहीं था। ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, दर्द फिल्म का गाना न जाने क्या हुआ। मैं हूं रुचि आपके साथ।
वैसे हिंदी क्राइम फिल्मों में असली मजा सस्पेंस के साथ साथ उससे जुड़े आइटम नंबर्स का भी आता है। ऐसी ही एक क्राइम फिल्म थी मैं और चार्ल्स, जो कि 1986 की फेमस प्रिजन ब्रेक स्टोरी पर बनी थी। इस फिल्म में पहले मेकर्स संजय दत्त और सैफ अली खान को लीड रोल में कास्ट करने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर प्रवाल रमन जी ने रणदीप हुडा को चूज किया। वैसे इस फिल्म में क्लासिक सॉन्ग जब छाए मेरा जादू इसे रिक्रिएट किया गया था, जिसे गाया है कनिका कपूर ने। जानते हैं ये गाना गाना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्हें रेट्रो का अंदाज और कंटेम्प्रेरी का फील दोनों रखना था गाने में। मतलब गाने के साथ इंसाफी हुई या नहीं वो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। रात जो होना है होने दे, कोई तो बात है। Everybody wants you। आज की रात जो होना है होने दे, कोई तो बात है। Everybody wants you।
आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है दर्द फिल्म का गाना न जाने क्या हुआ। मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे आज ये जो गाना है ये बॉलीवुड क्राइम फिल्म से है। जानते हैं ऐसी ही एक और फिल्म आई थी गैंगस्टर, जिसके रूमर्स ये थे कि ये फिल्म अबू सलेम और फॉर्मर एक्ट्रेस मोनिका बेदी पर बेस्ड थी, लेकिन डायरेक्टर अनुराग बासु ने साफ साफ कह दिया था कि फिल्म में कोई भी रियल कैरेक्टर्स के साथ सिमिलैरिटीज नहीं है। वैसे ये फिल्म कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर को रोल ऑफर किया गया था, लेकिन शोएब ने मना कर दिया ये कहकर कि क्रिकेट उनका प्रोफेशन ही नहीं ऑब्सेशन भी है एंड ही डज नॉट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से वो गाना जो ओरिजिनली कैलाश खेर की आवाज़ में रिकॉर्ड होने वाला था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, वो इंटरनेशनल टूर पे थे, इसीलिए जुबीन को ये गाना दिया गया। मैं बात कर रही हूँ या अली गाने की, सुनिए जरा। Yeah.
तो आज न जाने क्या हुआ इस गाने को हमने बनाया हुआ है प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, और बस कुछ ही और दिन बाकी है साल खत्म होने में। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पसंद के गाने हमें तुरंत बताएं, जिससे कि हम बस लास्ट ही बचे हुए इन कुछ दिनों में आपके गानों को भी यहाँ पर लेकर के आ सकें। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी पसंद क्या कहती है। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार फिर से सुनिए आज का ये खास गाना मेरे सारेगामा कारवा से। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई संवर संवर गई, निखर निखर गई समर समर गई, बना के आईना तुझे जान मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, बिखरा है काजल फिजा में, भीगी भीगी है शामें, बूंदों की रिमझिम से जागी आग ठंडी हवा में, आ जा सनम ये हंसी आग हम ले दिल में बसा, न जाने तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, ¡Gracias!
तूने